हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। और जो आपके लिए आज मैं वीडियो लाया हूं, तो दोस्तों वो है स्क्रीन रेजोल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो एक पिक्सल के मतलब कि पिक्सल से इन्फॉर्म होकर बनती है। तो दोस्तों जितने पिक्सल किसी मतलब की चीज़ में हो तो दोस्तों उतनी आपको क्लियर डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और दोस्तों आज के टाइम में मतलब कि 5.6 के जो दोस्तों रेजोल्यूशन दोस्तों वो आज की डेट में काफ़ी मतलब कि एक बहुत ही अच्छी इनोवेटिव डिस्प्ले है। और दोस्तों इसके बारे में मतलब कि एडवांसमेंट होती रहेगी। तो दोस्तों जो आज मैं बात करने वाला हूँ, दोस्तों मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो डिस्प्लेज होते हैं उसके जो टाइप्स है और जो मतलब कि डिस्प्ले किस तरह से मतलब कि इन्फॉर्म हुई है और दोस्तों इसमें एडवांसमेंट किस तरह आती रही। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डिस्प्ले होती है वो पिक्सल से मतलब कि इन्फॉर्म होती है। और दोस्तों इससे पहले मतलब कि अगर आप आज से 10 या 15 साल पहले जाए तो दोस्तों आपको टू टाइप्स की मतलब कि डिस्प्ले देखने को मिलती थी दोस्तों। एक कलर्ड होती थी और एक ब्लैक एंड वाइट होती थी। जो दोस्तों ब्लैक एंड वाइट डिस्प्लेज होती थी वो मतलब कि आज की डेट में आपको किसी भी मतलब की चीज़ में देखने को ना नहीं मिलती दोस्तों। आज की डेट में जो चीज़ें होती है दोस्तों वो कलर्ड में आपको देखने को मिलती है। जो दोस्तों ब्लैक एंड वाइट की जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों वो मतलब कि इतना अच्छा नहीं था देखने को, और जो उसमें मतलब कि पिक्चर्स होती दोस्तों वो भी काफ़ी मतलब कि आज की डेट से अगर कंपेयर किए तो सबसे बकवास डिस्प्ले के रूप में देखने को मिल सकती है आपको। लेकिन दोस्तों उसमें मतलब कि वो भी एक बहुत ही अच्छी डिस्प्ले थी, ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले 10 से 15 साल पहले। लेकिन दोस्तों अगर उससे बाद आप देखिए दोस्तों उसका कलर डिस्प्ले फॉर्म हुई, तो दोस्तों जो पहला टीवी आया उसमें 280p के रूप में मतलब कि डिस्प्ले देखने को मिली। और दोस्तों वो काफ़ी अच्छा टीवी था उस ब्लैक एंड वाइट से। तो दोस्तों इस तरह से मतलब कि ब्लैक एंड वाइट से अच्छा टीवी था। और दोस्तों उसके बाद 360p और 480p में आपको LCD डिस्प्ले मतलब कि मोस्टली देखने को मिलती थी। और दोस्तों आज की डेट में भी मतलब कि कुछ जो स्मार्टफोन या फिर कुछ मतलब कि जो आज की डेट में लो बजट रेंज स्मार्टफोन में भी अगर आप देखें तो दोस्तों आपको उस टाइप की डिस्प्ले देखने को मिलती है, वो मतलब कि उतनी अच्छी नहीं थी। और दोस्तों अगर आप अब बात करें तो दोस्तों LED डिस्प्ले दोस्तों जो LED डिस्प्ले होती है वो मतलब कि अपने आप में काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मानी जाती है। और दोस्तों अगर आप आज की डेट में देखें तो मोस्टली LED टीवीज मतलब कि आपको 720p और 1080p में मतलब कि देखने को मिलेगी। और दोस्तों वो मतलब कि फुल HD और HD के रूप में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस टाइप है मतलब कि आज की डेट में जैसे कि हाई टेक का ज़माना आता रहा, तो दोस्तों जैसे ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती रही तो दोस्तों उस तरह से डेवलपमेंट होती रही डिस्प्लेज भी। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलती है। और दोस्तों उसके बाद आपके वहाँ सैमसंग की जो डिस्प्लेज होती है मोस्टली सैमसंग की डिस्प्लेज होती है जो कि वो LED में मतलब कि यूज़ करती है। तो दोस्तों वो आती है आपके पास 2K और 4K। तो दोस्तों जो 2K और 4K डिस्प्ले है तो दोस्तों वो काफ़ी मतलब कि अपने आप में काफ़ी इनोवेटिव डिस्प्ले है। और दोस्तों जो उसकी जो मतलब कि व्यूइंग क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है अगर आप कंपेयर करें बाकी डिस्प्ले से। तो दोस्तों जो उसमें मतलब कि रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और दोस्तों उस टाइप का रेजोल्यूशन आपको आज की डेट में मुश्किल ही किसी स्मार्टफोन में मिलता होगा। और दोस्तों इस टाइप का जो डिस्प्ले होता है दोस्तों वो मतलब कि अपने आप में ही काफ़ी यूनिक डिस्प्ले के रूप में देखने को मिला है। दोस्तों जो उसमें डिस्प्ले का यूज़ हुआ तो दोस्तों उसमें जो पिक्सल का यूज़ हुआ दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ है। और दोस्तों जिसके कारण की जो उसके जो पिक्चर्स होती दोस्तों वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से मतलब कि आज की डेट में LED में मतलब कि अगर सैमसंग में आप देखें तो काफ़ी महंगे मतलब कि प्राइस है, लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो दोस्तों उसमें 2K और 4K मतलब कि आज की डेट में मोस्टली यूज्ड है डिस्प्ले। तो दोस्तों इसके बाद आता है आपके वहाँ 5.6K। तो दोस्तों जो 5.6K वो भी अगर आप देखें तो दोस्तों वो अपग्रेड है, अपग्रेड वर्जन है 4K डिस्प्लेज का। तो दोस्तों आने वाले टाइम में मतलब कि आपको जो 5.6K भी दोस्तों आपको रेयर मतलब कि कॉमन स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगी, जो कि आज की डेट में रेयर मतलब कि होता है। लेकिन दोस्तों इसमें मतलब कि अगर आप टीवी में देखें दोस्तों आज की डेट में भी मतलब कि कुछ टीवी आते हैं तो दोस्तों उसमें अगर आप देखते हैं तो दोस्तों उसमें आपको देखने को मिलेगी ये डिस्प्ले। तो दोस्तों अगर ये डिस्प्ले मतलब कि आप देखते हो दोस्तों अगर आपको कलर मतलब कि बहुत ब्राइट अच्छे लगते हैं तो दोस्तों आपके लिए डिस्प्ले सबसे अच्छी मतलब डिस्प्ले रूप में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर आप डिस्प्ले मतलब कि रेजोल्यूशन की बात करें तो इस डिस्प्ले मतलब कि काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए मेरे चैनल बीटेक, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।